नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के शिवसेना बौखलाई सी नजर आने लगी है। हर रोज सामना के ताजा संपादकीय में एक बार फिर एकनाथ शिंदे सरकार बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया गया है। सामना में कहा गया है कि सवाल इतना है कि वर्तमान सरकार यानी उधारी का माल है। शिंदे फडणवीस के आने से महाराष्ट्र को सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। वे बुलेट ट्रेन देंगे, जीएसटी बकाए का भुगतान करेंगे, आरे में जंगल काटने देंगे, ईडी की जांच बंद कर देंगे। उसके बदले में केवल मुंबई सहित महाराष्ट्र के तीन टुकड़े शिंदे फडणवीस से करवा लेंगे। YRPHSR ने हर बार शिवसेना के पैर कटवाने और पंख झाड़ने का काम किया। उसी विद्रोह की चिंगारी से महाविकास अघाड़ी की सरकार आई। शिंदे ने आज शिवसेना को तोड़कर बीजेपी की मदद से नई सत्ता लाई। महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार आई और प्रधानमंत्री मोदी ने वचन दिया कि महाराष्ट्र को कुछ भी कम पड़ने नहीं दिया जाएगा। दिल्ली की राज्य सरकार से शिवसेना के मुख्यमंत्री चले जाएं, इसके लिए पानी में भगवान को रख कर बैठी थी। जब तक सत्ता नहीं चली जाती तब तक महाराष्ट्र को उसके अधिकार का कुछ नहीं देने का जैसे निर्धार ही कर रखा था। शिंदे और फडणवीस की सरकार को जो चाहिए वो देंगे, उसके बदले में यह जोड़ी बीजेपी को अगली विधानसभा में 200 सीटें दिलवाएगी। सौभाग्य विपक्ष का ही उन्होंने 288 सीटों का वादा नहीं किया। अलग गुट के नेता व मुख्यमंत्री शिंदे कहते हैं कि उनके साथ आए 50 विधायकों में से एक का भी पराथम नहीं होगा। इसे महाराष्ट्र की जागरूक जनता पर दिखाया गया। अब विश्वास कहें कि जैसे विधायकों को खरीदा जा सकता है, वैसे ही मतदाताओं को भी खरीद लेने का आत्मविश्वास है। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद। नहीं, नहीं। 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 नहीं।